ये कहानी काल के चक्रव्यूह में जन्मे ऐसे ही दो योद्धाओं की है, एक जिसके अंत का होने वाला है आरंभ, राक्षस सम्राट रावण जो ना किसी देव को मानता है ना किसी भय को जानता है, और दूसरा वो जिसके आरंभ का कोई अंत नहीं। फाइनली दोस्तों, प्रभास की अब आदि पुरुष का इंतजार खत्म हुआ और कल यानी 9 मई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। वही खबरें आ रही है कि आज के दिन यानी 8 मई को ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग कराई जाएगी कुछ थिएटर्स में। वही अब देखना तो ये होगा कि फिल्म का ट्रेलर कैसा होने वाला है या फिर पहले टीजर की तरह इसे भी ट्रोल किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, फिल्म के मेकर्स पूरी तैयारी कर रहे हैं इस फिल्म के हाइप को बढ़ाने के लिए। वही अब शाहरुख खान की फिल्म जवान भी पोस्टपोन कर दी गई है, जो कि आदि पुरुष के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकती है। इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग भी रिलीज किया गया था, जिसको फैंस की तरफ से कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। और कल सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर से ही फिल्म की स्टोरी, वीएफएक्स और फिल्म के कैरेक्टर्स का भी पता चल जाएगा। बात करें फिल्म की स्टारकास्ट की, तो फिल्म में हमें प्रभास के साथ कृति सैनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और वत्सल सेठ लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम राउत जी ने, जिन्होंने तानाजी जैसी बेहतरीन फिल्म दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिल्म के दूसरे टीजर में हमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर नहीं? और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी या फिर 550 करोड़ ऐसे ही बर्बाद होने वाले हैं? बताइए हमें कमेंट करके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।